कहीं नहीं होता है। और उनके द्वारा आदेश हुआ था कि अगले बार अपने तौल का अर्ध भाग दूध या फल पुष्पावती में छोड़ना है, जिससे वो जीव जंतु उसको पान कर सके, उसको खा सके, उसमें रहने वाले जीव भी प्रसन्न हो। इसलिए पितरों के लिए अनेक प्रकार की पूजा आई है, पितर पूजा में अनेक प्रकार की पूजा है, उस पूजा में भी जीव जंतुओं के लिए भी एक पूजा मानी गई है, कौक पूजा मानी गई है, कुत्तों को भी भोजन कराने से भी आपके पितर लोग स्वर्ग जाते हैं, नरक से छुटकारा मिलता है, 84 लाख योनि में जो भ्रमण कर रहे हैं पुष्पम प्रणम 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 जन्म से छुटकारा मिलता है, कुत्ते को भोजन कराने से भी, गौ पूजा करने से, गौ को प्रथम रोटी देने से, लोही देने से उनका पहला जो चरण निकाला जाता है उससे भी बहुत लाभ मिलता है। अनेक प्रकार के अलग अलग फल आए हैं दान 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 के संग्रह में, तो बताएंगे तो हमें लगता है टाइम बहुत निकल जाएगा। इसलिए आप अपना 2 मिनट के लिए जो परिवार को नाम देवता आए उनके साथ जो घटना घटी, वो अपना परिवार का नाम अपना परिचय अपना मोबाइल नंबर आपका क्या घटना घटी वो सार्वजनिक सबके सामने जरूर बताएं, जिससे कि कोई भी भक्त लोग पुष्पावती में स्नान करे सबसे पहले इसमें जरूर ध्यान दें कि मेरे शरीर में से निकल के आ रहा है, मेरे शरीर में से हो क्या आ रहा है, मेरे अंदर कैसा लग रहा है। जैसे ये बेटी के वहां पे जब वो क्रिया हुई तो शरीर में छाले पड़ गए, पैरों में छाले पड़ गए, चल नहीं पा रही है, मतलब कंपन तो हो रही है, इस तरह से हमें बताया गया है। अब सच्चाई वो खुद जानती हो, पंडों को सरकार जानती है, जय श्री राम। आप खड़े होकर बता दीजिएगा यहाँ करके, और आपने प्रताप बांट दिया अपना, अपनी पढ़ाई लिखाई आपकी क्या योग्यता है, कहाँ रहती हो, मकान नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आइए। और वो प्रसाद भी जो आपने चढ़ाया है वो भी सबको जरूर बांटे, क्योंकि तो पुष्पावती गंगा का प्रसाद है, कोई छोटा मोटा प्रसाद नहीं है। माइक दे दीजिए भैया जी, वीडियो बना लीजिएगा, वहीं कुछ बस वहीं को मोह करके बोलना है, और बस खुश रहो भैया, ना इशारा करें जो जो आपके साथ घटना घटी जो जो हुआ। और अच्छा एक बात और, मैंने जो सर्वे देखा है इनके हाथ में जो मोबाइल है, ये बेटी ने भी मोबाइल लिया, तो उसमें एक ऐसा प्रकाशमान मणि की तरह कांच की तरह बिखरे हुए बहुत नदी के अंदर इतना उजाला इनके सीने पे था, दीपक जल रहा था, दीपक जलते जलते जमीन में फैल गया नदी में, और वो उजाला के स्फटक की तरह चमक रहा है, ये बड़ा गजब ने देखा मोबाइल में। वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं सेनेट के माध्यम से ले लेना, थोड़ा हमारे काम में भी आएगा, हम भी देख लेंगे इसमें क्या है। जय श्री राम, डॉक्टर सरकार की जय। मेरा नाम उपेय सिंह है और मेरे पिताश्री का नाम श्री तेजवीर सिंह है। हम हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तहसील नूरपुर से रहने वाले हैं, और गांव हमारा हकबाल है। ये जो आज घटना मेरे साथ हुई है ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ समस्या थी बट कई सालों से परेशान थे, लेकिन उसको कुछ सलूशन समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, कैसे होगा, हम क्यों इतने परेशान हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी समझ से परे थी। काफ़ी जगह हम गए हैं, काफ़ी जगह हमें कुछ बताया जाता है, कई बार कुछ चीज़ें हुई भी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका सलूशन नहीं मिल रहा था। जब मेरे एक मित्र के द्वारा मुझे पंडोकर सरकार जी के द्वारा के बारे में बताया गया, उसके बाद मैंने थोड़ा विचार किया और यहाँ पे आने का हमने मन बनाया कि हम आएंगे, और हम दोनों ने यहाँ पे आने का पूरा ठान लिया कि अब हमें जाना ही जाना, कि देखें तकलीफ है क्या और क्या हो रहा है। हम आए और गुरु जी की से जब फर्स्ट मुलाकात हुई, और जो चीज़ें गुरु जी ने बताई, जो बातें बताई, वो पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई कैसे बता सकता है इतना कुछ, और इतनी अनबिलीवेबल चीज़ें थी जो हमें ही पता है या गिने चुने हमारे परिवार के मेंबर्स हैं, तो बड़ा एक अचंभा हुआ कि कैसे ये सब। और जब वो शक्ति का गुरु कृपा से आह्वान हुआ और वो शक्ति आई, वो कल भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, फिर गुरु जी ने बताया कि आपको वहाँ पे पुष्पावती नदी में स्नान करना है, तो एक बेचैनी सी रही पूरी रात की, फटाफट हम जो वहाँ जाएं सुबह। लेकिन सुबह कुछ कारण से थोड़ी सी बात नहीं हो पा रही थी, और रूम में ही वो शक्ति एंटर कर गई, और मैंने अपनी वाइफ को बोला कि चलो वो फटाफट
मैं पूरी होश में हूँ, मुझे सारी समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन वो जो चीज़ जब आई तो मैंने इसको बोला कि चलो फटाफट चलो। वो इतनी बेचैन थी जाने के लिए कि अगर मैं थोड़ा कंट्रोल नहीं करता या जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा गाइड नहीं करते तो शायद मैं अकेला ही भाग के कूद नदी में कूद जाता, इतनी पहचान हो रही थी। गुरु कृपा से जैसे आज्ञा हुई हम वहाँ पे गए और जैसे ही आधे रास्ते में पहुँचे थे तो नाग शक्ति के अलावा अब मैं ज़्यादा तो नहीं जानता वो शक्ति के बारे में, लेकिन इतनी एनर्जी का एहसास हुआ कि जैसे काली के रूप में कोई शक्ति एंटर कर गई है और रास्ते में ही वो इतने विराट रूप से निकल रही है, उसकी वीडियो मेरी बाइक ने बनाई भी है और इतनी तेज़ी से वो चल रही है, इतनी गति से जो चल रही है, रास्ते में एक लड़का भी आया वो हटा नहीं पीछे, वो शक्ति भी नहीं हटी और उसको साइड में करती वो निकल गई है। उसके बाद जब नदी में गए हैं वो नदी में वो शक्ति जैसे ही मैंने एंटर करा वो शक्ति ऐसे अपने विराट रूप में पूरी आई है और जैसे वो चिल्लाई है नदी से भी एक दो लोगों को उन्होंने भगा दिया शक्ति ने। फिर उसके बाद वो पूरी नदी को चीरते हुए सेंटर से जा रही है और इतनी खुश हो रही है वहाँ पे नदी में और पूरे विराट रूप में आ रही है। उसके अलावा फिर एक शक्ति से मेरा और सामना हुआ नदी के बीच में, वो शक्ति नाग के रूप में है, बाकी वो सारा गुरुजी जानते हैं। लेकिन एक चीज़ और हुई मेरे साथ जो बड़ी विचित्र है, बड़े समय से हमें कुछ डाउट भी था लेकिन इतना स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, और जो चीज़ें वहाँ पे हुई वो तो समझ से परे थी, मैं अपने होश में था पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा, मैं हर चीज़ को समझ रहा हूँ। कुछ हमारे पितृ के रूप में एक शक्ति वहाँ पे आई है जो हमारे मैं उसको कह सकता हूँ कि हमारी दादी के रूप में ही कह लीजिए वो, कि उनकी मोक्ष नहीं हुआ था उनका, और उन्होंने पूरा नदी के बीच में बताया कि कैसे वो उनका मोक्ष नहीं हुआ है और उनकी गति नहीं हुई है और वो अधर में लटकी हुई है और वो उल्टी लटकी हुई है और जिस वजह से वो काफ़ी परेशान है और कुछ एक आधी साधना से सिद्धि करी थी, ज्ञान उन्होंने ली थी, वही शक्तियां हैं ये सब जो संभाली किसी से नहीं जा रही है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है। तो वो शक्ति ने काफ़ी वहाँ पे अपने अलग अलग रूप दिखाए जिससे काफ़ी सामना हुआ और काफ़ी मतलब मुझे तो बाद में सारी दर्द पाँव की सब फील हो रहा, उस समय तो कुछ भी नहीं फील हो रहा था कि एकदम से ये सब क्या हो रहा है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि डॉक्टर्स के पास भी इन चीज़ों का कोई समाधान नहीं है, मैं कभी गया नहीं डॉक्टर्स के, वो मुझे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही कभी मैंने ऐसे पागलपने वाली हरकतें की हैं, लेकिन वहाँ पे जो हुआ वो मेरी समझ से बाहर था। बाद में वो शक्ति मुझे गिरा रही है पानी में, मैं उठ रहा हूँ फिर वो गिरा रही है, मैं बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मेरी वाइफ को जैसे मैं पानी में बैठता था ऊपर उठता था तो वाइफ को यहाँ पे मेरी एक रोशनी दिखाई दे रही थी कोई दीपक की तरह, वो सिर्फ इक्को नज़र आई, जो कैमरे में वीडियो बन रही थी उस वीडियो में उस रोशनी की एक झलक वो इन्होंने क्लिक की हुई है, उसके साथ छोटे छोटे अंश शायद वो अस्थियों के होंगे मुझे जो लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही विचित्र हुई हमारे साथ और मैं नदी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और निकल नहीं पा रहा हूँ, और वो शक्तियाँ उन सभी नदी का आनंद भी ले रही हैं और मोक्ष के लिए चिल्ला भी रही हैं कि हमें मुक्ति भी चाहिए। तो वहाँ से जो हमारे साथ हुआ मुझे लगता है कि हमारा एक दोबारा जन्म हो गया है। और आपका मोबाइल नंबर क्या है? और मेरा इसके अलावा जब वाइफ वो खुद ही बताएंगी कि जब उन्होंने डुबकी लगाई है और वो क्या हुआ, वो कौन सा धुआं था एकदम से वो वस्त्रों में, वो नारियल से क्या निकला, नारियल को पानी के बीच में डुबो के छोड़ रहे हैं, नारियल गीला हो रहा है और जब बाहर आ रहा है तो उसमें से धुआं निकल रहा है बहुत ही सफ़ेद रंग का और उसमें आकृति सी शायद लग रही थी, वो उसके बारे में खुद वाइफ बताएंगी। बाकी मेरा मोबाइल नंबर अगर किसी को कोई शंका है डाउट है, वहाँ पे जितने भी लोग थे वो भी देख के हैरान हो रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और इतने समय के लिए, काफ़ी लोगों ने शूट भी किया वहाँ पे। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वाकई ही जैसे गुरुजी ने कहा कि
साइंस के लिए एक शोध का एक बहुत बड़ा कारण है कि उनको देखना चाहिए कि क्या ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये चीज़ें, ये बातें कहीं समझ में नहीं आती हैं। और जो हमारे साथ हुआ ये सिर्फ मैं यही जानता हूँ कि पंडोकर सरकार में ही हो सकता है, यहाँ ही संभव है, और तो मुझे नहीं लगता इसका कहाँ सोल्यूशन मिलेगा। और ये मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है, हमारा परिवार इससे 25-30 साल से जूझ रहा है और इसका निवारण नहीं हो रहा था। और वो शक्ति बोली वहाँ पे, वो शक्ति ये बोली कि अगर मैं आपको नीचे ना गिराऊं, आपको तकलीफ ना दूं, तो आप जो हैं मेरी तरफ नहीं आएंगे, मेरी तरफ मेरे बारे में नहीं सोचेंगे कि मैं अधर में लटकी हूँ आपके कुल से। आपके जो पितर हैं वो उल्टी लटकी हुई है, इसलिए वो हमें कस दे रही थी, जिसका निवारण गुरु कृपा से पंडोकर सरकार से आज हमें साक्षात देखने को मिला। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, गुरु जी को वंदना करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर अगर किसी को कोई डाउट लगे तो 9815049999 है, एनी टाइम। बाकी सारा जो भी एक्सपीरियंस है वो कोई बात नहीं, बता दो भैया, भैया भैया बता दो। चलिए, ये थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं। नहीं, बोले बोले तो बोले, बताइए आपको छाले कैसे पड़ गए क्या? ये माला से, माला लेके प्रणाम नहीं करना चाहिए, नीचे जाइए। कहाँ से आए हो आप? बैठ जाइए, बुलाइए, बैठ जाओ। पहली बात तो ये है कि मैं जब जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो मैंने कभी इनका ये विराट रूप तो देखा ही नहीं था कि ये ऐसा भी करेंगे। इन्होंने पूरी अपनी जीवा बाहर निकाल ली थी और हाथ पूरे जैसे कोई मतलब काली के रूप में देख लो आप, जा रही है और वो आगे किसी को नहीं आने दे रही है, और जो भी आगे आता है उसको मुंह से बोलती है कि परे हट जा। तो ऐसा रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं पहली बार। और जब ये नदी में गए तो किसी को 2 मिनट या 3 सेकंड 4 सेकंड लगते होंगे कि गुरु जी की कृपा से, पर इनको 2 घंटे लगे वहाँ पे। तो मैं इस चीज़ को देख के हैरान होगी कि ये क्या हो गया, कि ये मेरे अभी हस्बैंड नहीं है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो मैं तो पूरी तरह से डर गई और मैंने वहाँ से ही गुरु जी को बोला कि इनको शांत करो, मेरे से ये चीज़ नहीं देखी जा रही है। तो ये शक्तियाँ बाहर आने का तो नाम ही नहीं ले रही हैं और इनको भी नहीं आने दे रही हैं, क्या पता ये इनको ले ही जाए। तो मुझे ये मन में डाउट था, तो मैंने किसी को फ़ोन करा कि गुरु जी को बोलो कि इनको कुछ शांत करें। तो उन्होंने एक लड़का भेजा कि वहाँ पे जाके वीडियो बनाओ। तो ये वो गए और उन्होंने देखा सारा, तो उसके बाद इनका सारा हो गया और मुझे बोला गया कि आपने नदी में जाना। तो मैं इनको दे के फिर मैं नदी में गई, तो मैंने जैसे ये जो भी मुझे दिया हुआ था वस्त्र, मैंने वो अपने हाथ में पकड़ा और मैंने एक डुबकी लगाई थी पानी में। जैसे पानी से डुबकी लगा के ऊपर को आई तो वो जो कपड़ा था उसमें से आग निकल रही है और स्मेल ऐसे आ रही है जैसे किसी शमशान में मुर्दे को लेके जाते हैं तो वो धुआं निकलता है, जैसे राख होती है वैसा धुआं निकला। और मैंने झट से वो नीचे फेंक दिया और मेरी उंगलियां भी जल गई। अगर मैं 2 सेकंड के लिए उसको ज़्यादा पकड़ लेती तो मेरे हाथ जल गए हुए। पैरों में क्या हो गया? पैरों में पे मतलब छाले पड़ गए मेरे, पानी के अंदर ही छाले पड़ के मेरे से चला नहीं जा रहा था। और ये बोला गया था कि मुझे वहाँ पे प्रसाद बांटना है, तो मेरे से बांटा नहीं जा रहा था, मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। तो जब मैं वहाँ से गुरु जी के पास आई तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा ये छाले वगैरह जो भी थे उन्होंने करे कि अब ठीक हो जाओगे आप। तो ये तो इनकी कृपा से ही हो सकता है। और मैं ये बोल सकती हूँ सबको कि जो ये यहाँ पे शक्ति है वो कहीं भी नहीं है, और जो यहाँ से होके जाएगा उनके लिए तो ये स्वर्ग ही है, मैं ये बोल सकती हूँ। तो जहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, उनकी झोलियाँ भर के ही जाएंगी। ये गुरु पे विश्वास रख के चलना सभी, ये सबके लिए यही है, हमारे लिए ये आज जो हो गया ना ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये मैंने कभी नहीं देखी है जो मैंने गुरु जी की कृपा से देखी है। आपका नाम एड्रेस क्या है, आपके जी कौन है? मेरा नाम सुषमा है और ये मेरे हस्बैंड है, और यहाँ पे फर्स्ट बार आए हैं। तो हम एक दिन के लिए आए थे। कहाँ से आए हैं? हम हिमाचल से आए हैं। तो कैसे आए हैं, कैसे किसके पता बताने से आए, कैसे आए? यूट्यूब से आए हैं या किसी ने आपको एड्रेस दिया था? ये मुझे इन्होंने बताया था, इनके फ्रेंड थे
वो एक बार दो साल पहले की बात है, यहाँ पे आए थे तो उनको गुरुजी ने बोला था, बताया था कि तेरे घर में दो ट्विंस होंगे, तो वो हो गया। तो उन्होंने इनको बताया कि आप वहाँ पे एक बार जाना, जरूर जाना। तो दो साल से ये वेट कर रहे थे। तो क्या उनके ट्विंस बच्चे हुए? हाँ जी, दो बच्चे हुए और अभी वो छोटे हैं, तो वो भी इधर लेके आएंगे गुरुजी के पास। तो इसलिए मुझे इन्होंने बताया कि हमें उधर जाना है और एक बार तो जाएंगे। ये सब हनुमान जी कृपा है, हम नहीं बताते, पंडित सर बताते हैं। जय श्री राम। तो दो साल से वेट कर रहे थे। तो एक माध्यम है बताने वाले, तो पंडित सरकार उन्हीं कृपा से होता था। हाँ जी, तो दो साल से हम वेट कर रहे थे, दो साल से आ नहीं पा रहे थे, कुछ ये काम में बिजी थे तो नहीं आ पा रहे थे। तो जैसे ही इन्होंने यूट्यूब में देखा गुरु जी का, इनके जो बच्चे जुड़वा हुए उनका नाम क्या है? एक्चुअली ये चीज को थोड़ा पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा कि भैया इनका जो नाम क्या है, क्या नाम है, कहां जी है वो? मेरे फ्रेंड हैं, वो एडवोकेट हैं पठानकोट से, बलविंदर सैनी जी। वो फर्स्ट बार आए थे, गुरु जी ने उनको बताया था कि इतने समय में, इस मंथ के अंदर, ये सन में आपके ट्विंस होंगे। उनको वो उनके बच्चे नहीं होते थे, उनको थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो वो हमारा साक्षात लाइव प्रूफ है कि उनको दो ट्विंस हुए, और उनके कहने के बाद हमने प्लानिंग बनाई आने की, लेकिन हम आ नहीं पाए। और हम आए भी हनुमान जी की कृपा से हैं। मैं कहीं मंदिर में बैठा हुआ था, मंदिर के दरवाजे बंद थे हिमाचल में, हनुमान जयंती वाला दिन था वो, और मैं अचानक अपने मोबाइल पे नेट ऑन करके यूट्यूब खोलता हूँ, और यूट्यूब पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो पंडोकर सरकार की वीडियो सामने आती है। वो वीडियो देखने के बाद मुझे बड़ा अचंभा सा होता है कि ऐसे भी होता है क्या, ये सच है जो वीडियो में दिखाया जा रहा है? यार ये कुछ अजीब ही लग रहा है, ऐसे पता नहीं होता है कि नहीं होता है। फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे फ्रेंड जो एडवोकेट हैं वो भी कुछ ऐसा बोल रहे थे, कहीं ये वही जगह तो नहीं है। मैंने उनको फ़ोन करा, उनको वो वीडियो व्हाट्सएप पे सेंड करी, उन्होंने बताया हाँ जी ये यही वही गुरुजी हैं, और मैं यहीं पे गया था। फिर तो मैंने पक्का मन बना लिया कि अब तो जाना ही जाना है। इस तरह फिर हम यहाँ पे पहुँचे। ये जो बात है, थैंक यू। क्रिया को उद्यम दे रही है, ये आपने नया सुन रहे हो अभी, लगातार एक नया नया सेवन मिल रहा है, ये भी करना आया है। आइए बैठ जाइए, यहां पर आइए। नीचे आके अपना पूरा पावर में आइए तेजी से। के बीच में अपने तौल के आधा भाग
के लड्डू, मिठाई, फल, केले, अंगूर, संतरा जो भी है आप प्रस्तावती प्रभात करिए और तत्काल में आपके शरीर में से यह आत्मा जागृत रूपी साक्षात सा शरीर निकल करके शरीर परीक्षण होगा। आशीर्वाद है आप तो जब जाएंगे ये चढ़ाना और डुबकी लगाना, डुबकी लगाने के बाद आपके परिजन लोग, दरबार में आने वाले भक्त लोग आपके ऊपर कैमरा चलाए, मोबाइल चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो शक्ति का साक्षात प्रदर्शन आपका कल हो जाएगा। आशीर्वाद।